नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग व्यू का एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल देने वाला फ्री का इंडिकेटर से ट्रेड करना सीखेंगे। सिग्नल्स को फिल्टर करके सक्सेस परसेंटेज को मैक्सिमम करना सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर इंडिकेटर्स लगाएंगे। उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ हम कैंडेलियर एग्जिट लिखेंगे, CHANDE। इतना लिखते ही आपको यहाँ पर कैंडेलियर एग्जिट आएगा इवरगेट का, तो इसको एक बार क्लिक करना है। आज का हमारा मेन इंडिकेटर जिससे हम बाई और सेल सिग्नल लेंगे, यही इंडिकेटर है। तो इसको हम सेटिंग पर जाएंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बस हम क्या करेंगे, ये जो बाई लेबल है, ये बाई लेबल है और ये सेल लेबल है, इनको छोड़कर बाकी हम अनटिक कर देंगे। हमें लाइंस नहीं चाहिए, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम सिर्फ बाई और सेल लेबल्स को रख कर बाकी सारा अनटिक कर देना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जहाँ मार्केट रेंजिंग होता है वहाँ बाई सेल्स जल्दी जल्दी देता है। तो ये कुछ सेल और बाई के सिग्नल्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। उसको हम फिल्टर करने के लिए, नेगेटिव सिग्नल्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, EMA लगाएंगे, दो EMA लगाएंगे। फिर हम ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप 3 EMA लिखेंगे। आपका अगर फ्री का अकाउंट है तो 2 EMA और ये एक इंडिकेटर 3 नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको 3 EMA लिखकर ये दो में किसी एक को क्लिक करना है। तो मैं ये ऊपर वाला करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया है, इसलिए ये मेरा 50 EMA और 21 EMA का डिफ़ॉल्ट लग गया। आपका नहीं लग सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, EMA में जाएंगे, सेटिंग पर जाएंगे और पहले इनपुट पर जाएंगे। ये 21 का रखना है, पहला लेंथ 21 का चाहिए हमें और दूसरा लेंथ है ये 50 EMA चाहिए। ये रहने दीजिए, हमें बस पहला और दूसरा चाहिए। उसके बाद हम स्टाइल पर जाएंगे, पहला और दूसरा को टिक रहने देना है और तीसरा जो है इसे अनटिक करना है। मैंने यहाँ अनटिक किया है इसलिए ये दो आया है। तो इसके बाद आपको कलर अपने हिसाब से रखिएगा, जो आपको अच्छा दिखे वो रखिएगा। यहाँ पर मैं इसे ओके करता हूँ। अब हम सिग्नल्स कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए, जब भी मार्केट ऊपर रहेगा यानी 50 EMA से ऊपर रहेगा तो हमारा बाई का सिग्नल होगा। 50 EMA के ऊपर रहते ही हम बाई नहीं करेंगे, हम ये 21 EMA को भी देखेंगे। 50 से ऊपर रहना चाहिए 21 EMA। यहाँ पर 21 EMA का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस ट्रेंड फिल्टर करने के लिए। 50 से ऊपर 21 EMA रहता है तो हमारा बाई का सिग्नल लेंगे। जहाँ पर ये हमें आज का ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर बाई का सिग्नल देगा, वहाँ पर हम बाई का सिग्नल लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर 50 EMA नीचे है और 21 EMA ऊपर है। तो ये जितने भी सेल सिग्नल्स दे रहे हैं ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया, ये सेल सिग्नल्स है ही नहीं, बस ये बाई सिग्नल्स है। इसमें भी कंडीशन देखेंगे, ये हर जगह हम बाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक बाई सिग्नल था। ये फ्रंट पेज में ये फ्राइडे परसों का सिग्नल है, NZD USD का 5 मिनट्स का चार्ट है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पर कर सकते हैं। ये आप भी देखिएगा, ये बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। तो ये बेस्ट सिग्नल क्यों था। अब हम बाई सिग्नल का कंडीशंस देखेंगे। बाई सिग्नल कंडीशंस के लिए क्या करना है, पहला आपको ये 50 EMA नीचे होना है और ऊपर 21 EMA होना है। उसके बाद ये कैंडलियर एग्जिट जो आज का ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है, ये आपको बाई सिग्नल देना है। बाई सिग्नल देने के लिए क्या करना है, ये 50 का लाइन को टच करके बाई सिग्नल देना है। जैसे इसको हम जूम करके देखते हैं, इसको हम जूम करके देखेंगे, ये देखिए इसने यहाँ बाई सिग्नल दिया। ये बाई सिग्नल जहाँ पर दिया है वहाँ पर ये कैंडल यहाँ क्लोज होगा,
क्लोज होने पर देखिए ये 50 से ऊपर था, 21 ईए में ऊपर था, ये कैंडल ने टच नहीं किया है। ये कैंडल या इससे पहले का कैंडल, दो में से किसी एक कैंडल ये 50 ईएमए को टच करता है तो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएल बनता है, क्योंकि 50 ईएमए अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर दोनों लाइंस ऊपर थे, एक के ऊपर दूसरा था, 50 ईएमए के ऊपर 21 ईएमए था, अपने आप में ये ट्रेंड अप ट्रेंड का संकेत है। उसमें आपको ये कैंडलियर एग्जिट जो आज का ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है, इसने आपको बाई का सिग्नल दिया। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दो कैंडल्स में इसका लेग टच नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका लेग टच होना चाहिए। यहाँ पर भी ये डोजी बनकर दो रेड कैंडल्स नीचे आए, डोजी बना, मार्केट ऊपर दौड़ा। तो यहाँ पर ऐसा होने पर हमारा एसएल जो है बहुत ही पावरफुल एसएल होगा। यहाँ का जस्ट ये दो में जिसका लो ज़्यादा है उसका आपका एसएल रखना है और बाई यहाँ पर करना है, टारगेट 1:1.5 जल्दी एग्जिट के लिए। और ये जो कैंडल है ये कम्प्लीटली इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। ये आज का बेस्ट सिग्नल्स है, ये मैंने आपको दिखाया बाई के लिए। अब सेल के लिए क्या करना है, अब हम सेल का कंडीशंस देखेंगे, सेल सिग्नल्स का कंडीशंस देखेंगे। ये एनजेडी यूएसडी पर हमें बाई सिग्नल मिला था परसों, उसके बाद यूएसडी कैट पर हमें बाई और सेल सिग्नल्स मिले थे। यहाँ पर मैं आपको सेल सिग्नल्स का बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। देखिए ये सेल सिग्नल था, यहाँ पर मैं ये जो आज का ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है इसको मैं यहाँ पर हाइट कर देता हूँ। अब देखिए इसने हमें सेल सिग्नल दिया, ये जो था इसने 50 ईएमए को टच नहीं किया, लेकिन इससे पहले का कैंडल देखिए लेग शार्प रिजेक्ट हुआ है, ये लेग ने हमें एसएल दिया है, लेग ने यहाँ का एसएल दिया। अब मैं यहाँ इसको लगाता हूँ, देखिए इसने ढक दिया, यहाँ का हमारा एसएल है, इसने सिग्नल दिया, यहाँ हमारा सेल सिग्नल होगा और उसके बाद 1:1.5 अगर आप देख के ट्रेड करते हैं तो आप 1:2 का भी टारगेट रख सकते हैं, नहीं तो आप सेल बाई सेल लगा के छोड़ देते हैं, तो 1:1.5 का टारगेट रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इतना पावरफुल आपका ये एसएल होगा। क्यों पावरफुल होगा, क्योंकि ये 50 ईएमए से रिजेक्टेड है। जब भी 50 ईएमए से रिजेक्ट होता है मार्केट, उसके बाद कुछ देर नीचे जाता है, उसमें भी आपका ये 21 ईएमए 50 से नीचे है, दोनों क्लोज होते हैं, एक आपस में इस तरह नज़दीक होते हैं, तो बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। तो ये हमारा सेल सिग्नल हुआ आज का ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का। यहाँ पर बाई सिग्नल मिला है, ये सेल सिग्नल तो देखना ही नहीं है क्योंकि 50 से ऊपर 21 ईएमए था, ये बाई सिग्नल का है, सेल सिग्नल होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये बाई सिग्नल है, ये मैंने इस पर वीडियोज बनाया है, 21 ईएमए में 50 से ऊपर 21 ईएमए रहता है और मार्केट ऊपर से डिक्लाइन होने के बाद लेग रिजेक्ट होके यहाँ पर बैठता है, जैसे हम बेंच पर बैठते हैं पैर नीचे लटका के, ये हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा पैर नीचे लटका हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये सपोर्ट का अपने आप में काम किया। यहाँ पर आप बाई करेंगे, यहाँ का एसएल रख के 1:1.5 का टारगेट ये दे देगा, इसको छोड़ना है तो भी छोड़ दीजिए, इससे टच नहीं था लेकिन ये भी सिग्नल है। अब देखिए ये नीचे था, 50 ईएमए से नीचे था तो ये हमारा सिग्नल नहीं होगा, ये 50 ईएमए से ऊपर था ये सेल सिग्नल नहीं होगा, ये बाई सिग्नल नहीं होगा क्योंकि 50 से नीचे 21 ईएमए था, ये हमारा सेल सिग्नल है। यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल मिला, ये 50 को टच करके रिजेक्ट हुआ और 50 के नीचे 21 ईएमए था, तो यहाँ का हमारा एसएल होगा। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा यहाँ हमारा सेल सिग्नल होगा, 1:1.5 का टारगेट देगा। इतना पावरफुल ये काम करता है, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, इस पर आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।